इंडिया में कुछ चल रहा हो या ना चल रहा हो, आजकल चलान खूब चल रहा है। 15,000 की गाड़ी का 23,000 का चलान कट रहा है। बिना हेलमेट वालों का हजारों में चलान कट रहा है। गाड़ी तेज दौड़ाई तो भी उसका चलान कट रहा है। ड्राइविंग करते वक्त नक्शेबाजी झाड़ी तो भी चलान कट रहा है। लग तो ऐसा रहा है इंडिया जितना नहीं चल रहा उससे ज्यादा आजकल चलान भर रहा है। जेब से सरकार ने सड़क पर चलने का नया नियम बनाया है, तब से चारों ओर चर्चा केवल चलान की है। सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्ले तक चलान दिलजलों का नया शाप बन गया है। लोग गुस्से में दुश्मनों को चलान काटने की बद्दुआ दे रहे हैं और चाहने वाले अपने चाहने वालों को चलान से बचे रहने की दुआएं दे रहे हैं। भारत ही नहीं, यूएस, सिंगापुर, ब्रिटेन, रूस समेत कई देशों में ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई होती है। दुनिया के कई देशों में ट्रैफिक के सख्त नियम हैं। अमेरिका में अगर आप सीट बेल्ट के बिना गाड़ी चलाते हैं तो आपको $25 यानी करीबन 1,799 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ता है। अमेरिका में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर $500 से $1,000 यानी तकरीबन 72,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़े गए तो 3 साल तक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है, साथ ही साथ जेल की सजा भी हो सकती है। सिंगापुर दुनिया के सबसे महंगे शहरों में शुमार है। महंगा शहर होने की वजह से यहां ट्रैफिक चलान भी उतने ही महंगे हैं। सिंगापुर में शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर $5,000 यानी करीबन 3,59,822 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की जेल की सजा है। दूसरी बार पकड़े जाने पर $10,000 यानी तकरीबन 7 लाख रुपए का जुर्माना या फिर 12 महीने की जेल तक की सजा है। अमेरिका, सिंगापुर के अलावा भी कई देश ऐसे हैं जहां ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ता है। भारी जुर्माना इन देशों में इसलिए भी लगाया जाता है ताकि लोग ट्रैफिक नियम का पालन करें। हांगकांग में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2,29,000 रुपए का जुर्माना लगता है, जबकि यूनाइटेड किंगडम में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2,16,000 रुपए का चलान भरना पड़ता है। ऐसे ही जापान में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सबसे ज्यादा जुर्माना यानी तकरीबन 6,77,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। अब आपको बताते हैं भारत में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कितने रुपए का चलान है जिसके लिए इतना हो हल्ला मचा हुआ है। ट्रैफिक लाइट जंप करने पर $5,000 रुपए का चलान है। ओवर स्पीडिंग पर $2,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर $10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर $5,000 रुपए का चलान भरना होगा। बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर $2,000 रुपए का चलान भरना होगा। मतलब इंडिया में इस वक्त चलान काटने और कटवाने वालों का सीजन चल रहा है। जो जनता अब तक ट्रैफिक रूल भूलकर सड़क पर अपना रूल चला रही थी, वो जनता ट्रैफिक के नियमों को रट रही है। जिनके लिए कभी हेलमेट शान में गुस्ताखी की तरह होता था, उन्होंने हेलमेट झाड़ पोछ कर निकाल लिए हैं। रफ्तार से बातें करना जिनकी शानो शौकत था, उनकी गाड़ी ने रफ्तार पर काबू पाना सीख लिया है। मतलब चलान के इस मेगा फेस्टिवल में भले ही इंडिया बाप रे बाप कर रहा है, लेकिन नियम कानून जानने वाली और समझने वाली जनता वाह वाह कर रही है। तो आप किन में से एक हैं? हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताएं।